नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को लेकर अमेरिका ने चिंता जताते हुए बयान दिया तो भारत ने तीखा पलटवार कर दिया। दरअसल अमेरिका ने कहा था कि भारत में CAA के नोटिफिकेशन को लेकर वो चिंतित है और उसने इसके लागू होने पर बारीकी से नजर बनाई हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने यह बयान दिया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा था, धार्मिक आजादी का सम्मान और सभी समुदायों के साथ कानून के तहत समान व्यवहार मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं। इस बयान के बाद भारत ने कहा, जहां तक CAA के लागू होने को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग के बयान की बात है और बाकियों के बयान का सवाल है, तो हमारा विचार है कि ये गलत सूचना पर आधारित और अनुचित है। इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धार्मिक आजादी की गारंटी देता है। अल्पसंख्यकों के प्रति किसी भी चिंता का कोई आधार नहीं है। उन्होंने आगे कहा, वोट बैंक की राजनीति को संकट में फंसे लोगों के मदद के लिए किसी प्रशंसनीय पहल के बारे में विचार निर्धारित नहीं करना चाहिए। जिनको भारत की बहुलतावादी परंपराओं और क्षेत्र के विभाजन के बाद के इतिहास की सीमित समझ है, उन्हें व्याख्यान देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भारत के सहयोगियों और शुभचिंतकों को उस इरादे का स्वागत करना चाहिए जिसके साथ ये कदम उठाया गया है। क्या CAA मुसलमानों के खिलाफ है? हाल ही में सवाल पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान भी सामने आया था। मैं बाकी रिलीजन्स के बारे में बाद में आती हूँ, पहले मुसलमान समुदाय के बारे में बात करते हैं, क्योंकि चाहे उवैसी साहब हों, चाहे ममता बनर्जी हों, और फिर बहुत से विदेशी मीडिया जो है वो भी कह रही है इट्स एन एंटी मुस्लिम लॉ बिकॉज आप मुसलमानों को नहीं शामिल कर रहे हैं, तो वो क्राइटेरिया ही है कि मुसलमान नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है, आप इस लॉ को आइसोलेशन में नहीं दे सकते। इस देश का एक इतिहास है, 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया, देश तीन हिस्सों में बट गया, वो बैकग्राउंड है। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजन का विरोध किया, हम कभी सहमत नहीं थे। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था, मगर उस वक्त किया गया। जब धर्म के आधार पर आप विभाजन करते हो और वहाँ जो अल्पसंख्यक है उन लोगों पर ढेर सारे अत्याचार हो, धर्म परिवर्तन कराए जाए, इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए, वो माँ बहन बेटी के लिए वो शरण में आए भारत की, तो क्या उसको यहाँ नागरिकता का अधिकार नहीं है? और स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने आज़ादी के वक्त सैकड़ों भाषणों में कहा है कि अभी मारकाट चल रही है, अभी जहाँ है वहाँ रह जाइए, बाद में जब कभी भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है। परंतु बाद में इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स चालू हुई, वोट बैंक की राजनीति चालू हुई, एपीसमेंट के कारण वो वादा कांग्रेस पार्टी ने कभी पूरा नहीं किया जो आज नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। सर, जो बाकी समुदाय, बाकी जो रिलीजन्स हैं, चाहे हिंदूज हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, उन सबको तो मैं मानती हूँ, ठीक है, देवर रिलीजन्स बॉर्न इन इंडिया, पर पारसी और अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं, उन वो जो रिलीजन्स है देवर नॉट बॉर्न इन इंडिया, तो अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं तो मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, मुस्लिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा आज भारत का भाग नहीं है, वो भूमि इसीलिए दे दी गई थी। फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो, भारत कहाँ बचता है? अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है उसको शरण देना, मैं मानता हूं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और स्मिता जी, आप आंकड़े की गहराई में जाइए, जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, हिंदू और सिख थे, आज 3.7% बच गए, कहाँ गए सारे? इतने सारे तो यहाँ आए नहीं, धर्म परिवर्तन हुआ, अपमानित किया गया, दोयम दर्जे के नागरिक के नाते इनको रखा गया, कहाँ जाएंगे लोग? क्या देश इसका विचार नहीं करेगा? देश की पार्लियामेंट इसका विचार नहीं करेगी? देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने इनका विचार नहीं करना चाहिए?